सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों रॉयल पिजन्स चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल रॉयल पिजन्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा मेरे कबूतर कलेक्शन का एक लाल दुम नर कबूतर जो प्योर ब्रीड का है। तो वीडियो के इंड तक देखते रहिए और चलिए मिलते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये एक लाल दुम कबूतर है, प्योर ब्रीड का है एकदम। तो इसका जो पेयर है वो पंजाब से था, अब नहीं रहा वो पेयर, सिर्फ मादा ही है। तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो का लिंक जाके जरूर देखना, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। आप लोग मेरे कोई भी वीडियो में जाके देखना तो बाहर से कमेंट आता है, लेकिन आप लोग तो मेरे खुद देश के लोग हो, तो मुझे क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो? प्लीज़ सपोर्ट करो दोस्तों, मुझे सब्सक्राइबर की लाइक की बहुत ज़रूरत है, मुझे बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए पहले मैं इसका आँख दिखा देता हूँ। और दोस्तों, हिंदी बोलने में कोई प्रॉब्लम हो गई तो माफ़ कर देना, मुझे गलती हो गई तो मुझे, क्योंकि हमारा लैंग्वेज नहीं है हिंदी, प्रॉब्लम थोड़ा होगा आप लोग समझ सकते हो। देखिए पहले मैं इसका आँख दिखा देता हूँ। अब देखिए आँख, अच्छा आँख है इसका। और अच्छा कबूतर है, देख सकते हो, सहारनपुरी नाकता कबूतर जैसा लंबा है ये कबूतर। मैं दिखाऊंगा छोड़ के, आप लोग देखना, लंबा कबूतर है बहुत, मेरे हाथ में ही आप लोग देख सकते हो, बहुत ही लंबा कबूतर है। तो चलिए अब मैं इसका पर दिखा देता हूँ एक बार। देखिए पर भी रेड कलर का ही है थोड़ा थोड़ा। अब मैं ये वाला पर दिखाता हूँ, देखिए। चलिए अब मैं इसका नाखून दिखा देता हूँ। नाखून देखिए चोंच सा ही है, इसका नाखून देखिए रेड टाइप का है थोड़ा, देख सकते हो। अब इसका चोंच देखिए, चोंच भी देखिए थोड़ा रेड टाइप का है, ब्लैक या सफेद नहीं है, मिक्स कलर का है उस टाइप का ही। तो चलिए अब मैं इसका दुम दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके लिए इसका नाम लाल दुम है। देखिए दोस्तों, कुछ दुम मैंने काट दिया है क्योंकि ये बीमार था कुछ दिन पहले, बहुत ही बीमार था, तो मैंने सोचा इसका दुम ही क्यों ना काट दूं, क्योंकि दुम काट देने से कबूतर अच्छा रहता है। लोग देख सकते हो इसका दुम का तो एकदम स्ट्रेट है, आप लोग देखिए, एक बार खोल के दिखाता हूँ। देखिए अच्छा कबूतर है। तो दोस्तों, मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो, क्योंकि बाहर से लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरे खुद के दोस्त देश के लोग जो है मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करता हूँ यूट्यूब के लिए, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिलता है। तो इस वीडियो का लाइक एम रहेगा सिर्फ 100, मैं ज़्यादा नहीं मांगूंगा, 100, सिर्फ 100 लाइक दोस्तों, प्लीज़ कंप्लीट कर दो। चलिए अब इसे एक बार छोड़ के दिखाता हूँ, तो देखते रहिए। ये देखिए डायरेक्ट ऊपर चला गया, तो रुकिए मैं इसे एक बार नीचे लाने की कोशिश करता हूँ, रुकिए। देखिए ये नहीं आ रहा है, वहाँ जाके चिपक गया नेट पे। तो कबूतर को नीचे नहीं आएगा लगता है। तो ये बाकी के कबूतर एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए बाकी के सारे कबूतर हैं, अच्छे अच्छे कबूतर हैं, तो आप लोग जाके मेरे चैनल में देख लेना एक बार, लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब कर देना एक बार मेरे चैनल को। देख सकते हो मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ, आप लोग जरूर देखना मेरे हर एक वीडियो को, हर टाइप का कबूतर है मेरे पास,
हर टाइप का तो नहीं कह सकते, लेकिन है कबूतर। आप लोग देख लीजिए, ये देखिए नाप्ता भी है यहाँ पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कैसा लगा कमेंट कर देना, और कोई भूल हो गई तो माफ़ कर देना और कमेंट कर देना कि गलती मैंने क्या किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।